तो फ्रेंड्स ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ना होंडा वालों की, अभी अभी हाल ही में लॉन्च बाइक हुई है, मतलब री लॉन्च करा है इन लोगों ने SP 125 स्पोर्ट्स एडिशन। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं पूरा रिव्यू करूंगा कि इसकी क्या स्पेशल एडिशन के अंदर क्या प्राइस रखा गया है और क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस गाड़ी के अंदर, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को यार लाइक कर देना और लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो काम की होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैं वीडियो में बताने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो एडिशन निकाला है इन्होंने स्पोर्ट्स एडिशन, पहले जो आती थी ग्राफिक्स ये पुरानी वाली SP खड़ी हुई है 125, तो इसमें इस टाइप की आती थी। देखिए ये ग्राफिक्स है, लेकिन अब जो है इन लोगों ने कलर भी चेंज कर दिया है, वो पहले से और अट्रैक्टिव बना दिया ग्राफिक्स को। असल में ये फेस्टिवल सीज़न आने वाले हैं 2023 में, दिवाली वगैरह पूरा सीज़न आने वाला, तो उसमें ये होंडा की नई पेशकश है। तो किस तरह से निकाला गया है, तो और ये सिर्फ दो कलरों में आती है, डिसेंट ब्लू मेटालिक और हैवी ग्रे मेटालिक। तो मेरे सामने जो ये खड़ी हुई ना हैवी ग्रे मेटालिक में खड़ी हुई है, जिस तरह से आप देख पा रहे हो ये तो आपका पूरी ग्लॉसी कलर में है, मतलब मेटालिक कलर है ग्रे कलर का, ये ब्लैक कलर का आ जाता है प्लास्टिक में, फिर ऊपर से एक और मतलब काउल आ जाता है इसका जिसके ऊपर होंडा 3D में लिखा हुआ है। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए यह रहता है इसका ग्रे कलर, यह रहता है इसका वाइट कलर और ऑरेंज कलर, तीन कलर की पट्टी लगाई हुई है और उसके यहाँ पर पट्टी को बड़ा कर दिया गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ लिखा गया है SP 125 स्पोर्ट्स एडिशन, ये मतलब काफ़ी अच्छा चेंज लग रहा है। और क्या चेंज किया गया है, इन लोगों ने अपने अलॉय व्हील पे ऑरेंज कलर की पट्टी लगाई है, यानी कि जब गाड़ी रोड पे निकलेगी ना तो ये पट्टी बहुत तेज़ तेज़ घूमेगी। आगे फ्रंट में क्या चेंज किया है ये देखिए, ऑरेंज कलर की और वाइट कलर की स्ट्रिप लगाई है, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये चेंज कैसा लगा। स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको इसका प्राइस बता दूं कि इसका प्राइस कंपनी ने क्या निर्धारित किया है। जो एक्स शोरूम प्राइस है, मैं इस समय जो बात कर रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ RS होंडा और मैरिस रोड अलीगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके जो एक्स शोरूम प्राइस है इस गाड़ी के वो है 90,500 और जो ऑन रोड पड़ने वाली है वो 110,300 रुपये की पड़ने वाली है। तो क्या चेंज किए हुए हैं और बता रहा हूँ ये प्राइस जो है ऑन रोड वो विदाउट एक्सेसरीज़ हैं। सामने का फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं, ब्लैक कलर का इसके अंदर वाइज़र आ जाता है ये देखिए, और होंडा का स्टिकर आ जाता है और पूरी तरह से LED में इसका हेडलाइट लैंप सेटअप देखने को मिलता है। बीच में लिखा हुआ है LED, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ट्रांसपेरेंट में हेलोजन में इसके विंकर्स आ जाते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आ जाते हैं, 80x100 और 18 इंच का इसका व्हील साइज़ देखने में, टायर जो साइज़ है आप देखिए 80x100 और 18 इंच का इसका टायर साइज देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो एडिशन है आपको डिस्क ब्रेक में देखने को मिलता है, यह आ जाता है डिस्क ब्रेक का इसका पैडल, और इसमें कोई आपको ABS देखने को नहीं मिलता है, विदाउट ABS ये गाड़ी आती है। तब भी डिस्क ब्रेक है तो कंट्रोलिंग तो अच्छी होनी है। और इसका देखो फाइबर में जो मडगार्ड है, कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फाइबर है, ये आ जाता है ग्लॉसी, और थोड़ी की तरफ नीचे बढ़ते हैं ये आ जाता है मैटी ब्लैक कलर में, मतलब डुअल टोन में इसका आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। और ये आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर आ जाते हैं रिफ्लेक्टर, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और काउल के नीचे भी इन लोगों ने एक फिनिशिंग दी है, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इंजन पावर की बात करें तो, और हाँ एक चीज़ और, इस गाड़ी की एक खासियत और मुझे लगी कि यार ये गाड़ी जो है ये SP 125 जो आती है, मतलब किक से भी स्टार्ट होगी और सेल्फ से भी स्टार्ट होगी। कुछ कंपनियों ने ना यार दोस्तों किक ही गायब कर दिए गाड़ियों, ये इसका प्लस पॉइंट है, यानी किक से भी स्टार्ट होगी। वैसे तो यार 125 cc में जो एक्चुअल CC है वो 124 cc की है, और 10.72 की PS की पावर ये जनरेट करेगा, और टॉर्क जो है 10.9 Nm का इसका टॉर्क होने वाला है। होंडा की गाड़ी की स्पेशलिटी होती है ESP टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि आप जब स्टार्ट करोगे ना तो आपको बिल्कुल लैकिंग नहीं होने वाली, स्मूथली ये गाड़ी स्टार्ट हो जाने वाली है। पीछे की जो सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक टाइप स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिलता है, सस्पेंशन का कलर है रेड कलर से किया हुआ है, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यह रहता है इसका मफलर,
मैटी ब्लैक में है और उसके ऊपर और प्लेट लगाई गई है, इसी कलर की प्लेट लगाई गई ताकि आपके पैर वगैरह सोल वगैरह ना जले। फोल्डेबल ये आ जाते हैं इसके फुटरेस्ट पीछे बैठने वालों के, और ये आपका राइडर के फुटरेस्ट रहते हैं, और ये फोल्डेबल नहीं है आपको मैं बता दूँ। पीछे का तरफ बढ़ लेते हैं, पीछे का जो टायर साइज़ है वो 100x80 का है, ये देखिए कुछ इस टाइप से लिखा है 100x80, और 18 इंच का इसका व्हील साइज देखने को मिलता है। आगे और पीछे के दोनों ही अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट मिल जाता है। और पीछे का जो आपका ड्रम ब्रेक का साइज़ है वो 130mm का देखने को मिलता है, ये देखो। और गाड़ी में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि आप पीछे का ब्रेक लगाओगे तो आगे का ब्रेक ऑटोमेटिक लगने वाला है। ये देखो यहाँ पर भी पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर ऑरेंज पट्टी और वाइट पट्टी इस ग्रे कलर पे देखने को मिलेगी। ये आ रहा था ग्रैब रेल, सेम गाड़ी के कलर का देखने को मिलता है, मेटल में है। सीट काफ़ी मतलब लेंदी लगी और चौड़ी लगी, और कहने का मतलब तीन लोग इमरजेंसी में बैठना चाहो तो आराम से बैठ सकते हो। इसकी जो सीट हाइट है वो 790mm की है, यानी कि आप 5.5 फीट का बंदा भी इसको आराम से चला सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का 160mm का देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि आपका जो इंजन वगैरह ना धच्चियों वगैरह पर ब्रेकर जो होते हैं उस पर लगने वाला नहीं है। बैक प्रोफाइल विजिट कर लेते हैं, कुछ इस टाइप से है। हेलोजन में इसकी बैक लाइट देखने को मिलती है, हेलोजन में इसके इंडिकेटर ये ट्रांसपेरेंट है। नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए इसमें लाइट भी दी गई है कि नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ये देखो मडगार्ड इसका ये काफ़ी चौड़ा देखने को मिल जाता है। साइड में बढ़ते हैं, ये आ जाता है साड़ी गार्ड, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका एसपी का, प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है और ताकि कपड़ा वगैरह ना जाए। और इसके चेन ड्राइव के ऊपर फाइबर का मतलब कवर लगाया गया है ताकि डस्ट वगैरह ना जाए चेन में। और ये फुटरेस्ट है, और ये आ जाते हैं इसके गियर, 5 गियर गाड़ी में देखने को मिलते हैं, 1 डाउन 4 अप, और सिंगल लीवर नहीं, आप एडी से भी डाल सकते हो और पंजे से भी डाल सकते हो। और गाड़ी में ना इंजन पावर कट वाला सेंसर भी देखने को मिलता है, यानी कि गाड़ी अगर लगी हुई है साइड स्टैंड पे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये आ रहा था इंजन, देखो मैटी ब्लैक कलर में, काफ़ी मतलब इंजन का अगर आप ये होंडा के साथ जा रहे हो ना तो इंजन से तो आप निश्चिंत रहिए, इंजन बहुत शानदार है यार होंडा का। ऊपर से गाड़ी का लुक दिखाऊं, देखो कुछ स्टाइल से देखने को मिलता है, BS6 OBD2 ही गाड़ी है, E20 में देखने को मिलती है, यानी एथेनॉल प्लस पेट्रोल के लिए गाड़ी रेडी है भविष्य के लिए। और टैंक में जो पेट्रोल भरा जाएगा वो 11.2 लीटर भरने वाला, माइलेज बहुत शानदार है गाड़ी का, अगर बेहतर कंडीशन में चलाओगे 125cc होने के बावजूद भी ये 65 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देगी। भगाने के शौकीन हो तो भाग भी बढ़िया सकती है, तो ये कम से कम आपकी 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से भी ये गाड़ी भाग सकती है। और स्विचेस के बारे में बात कर लेते हैं, देखो इंजन के स्विच देखने को मिल जाता है, ये सेल्फ, और ये इसकी की है, ये देखिए छोटी सी है, इसको लगा देता हूँ। और इधर आ जाते हैं, आपको हॉर्न मिल जाता है इंडिकेटर का, हजार्ड स्विच देखने को नहीं मिलता। और इसमें आपको इसका जो बटन है ना पासिंग वाला, देखो इसमें हाई बीम लो बीम और यहीं से पासिंग का स्विच काम करेगा। थ्रॉटल में बार हैंड देखने को मिलते हैं, देखो छोटे से, और थ्रॉटल काफ़ी मजबूत है, शॉर्ट हैंडल लग रहा है, मतलब आपकी कंफर्टेबिलिटी बरकरार रहेगी इस गाड़ी में। और जो उसके मिरर्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, देखो ये भी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल रहे हैं, पास से देखो आप आराम से। और दोस्तों मैं बता दूं, गाड़ी का ना जो मीटर है वो फुल्ली डिजिटल मीटर है, और क्या क्या फंक्शन, साइड स्टैंड रिमाइंडर देखने को मिल जाता है, फ्यूल टैंक का, और टाइमिंग देखने को मिल जाती है इस मीटर में, और आपको आपकी माइलेज भी इस मीटर में देखने को मिल जाता है। और गाड़ी का जो कुल वेट है वो आपका पड़ने वाला है 116 किलो का, गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार मैं फिर से आपको विजिट करा देता हूँ, देखिए यहाँ से, अगर आप भी होंडा एसपी साइन में आना चाहते हो तो आ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पोर्टी लुक में आपको मिल जाती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, ऊपर से देखो इसका प्रीव्यू। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।